हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। और आज मैं निकल रहा हूँ जींद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पतालकोट एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 14624 में। सामने सरबद्दा भला 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। आज का जो टारगेट है वो पहुँचना है 10 बजे से पहले रोहतक, लेकिन इस समय जो समय हुआ है वो है 9:17। 57 किलोमीटर की दूरी जींद से रोहतक तय करनी है अपने को लगभग 40 मिनट में, और 2 मिनट पहले रोहतक जंक्शन पहुँचना है 10 बजे से, ताकि हम उस ट्रेन को बोर्ड करें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। देखते हैं आज ये ट्रेन से पहुँच पाती है, अपनी ट्रेन निकल जाती है, क्योंकि उस ट्रेन उस सेक्शन को कवर करने के लिए सिर्फ एक ही दिन में एकमात्र ट्रेन चलती है, वो 10:00 पर चलती है रोहतक के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। जय जय वंती को क्रॉस कर रहे हैं इसे अपने 9:37। जुलाना 30 किलोमीटर का काशन। लो भाई साहब, स्लो कर दिया अपनी ट्रेन। भैया आज 10 बजे नहीं पहुंचे तो अपनी ट्रेन निकल जाएगी, और एक ही सोर्स है वहाँ से रोहतक मैं हमारा सेक्शन कवर करने का। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है किला जाफरगढ़ के आउटर पे। इस समय अपनी ट्रेन समर गोपाल रेलवे स्टेशन 9:47 पे क्रॉस कर रही है, और रोहतक के आउटर में अपने आ चुके हैं। 4 मिनट अभी अपने को पड़े हैं रोहतक आउटर में। अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगाई जा रही है, और यहाँ से अपने जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने वाली ट्रेन को पकड़ेंगे। तो मैं ट्रेन में जो है वो एसी को छोड़कर स्लीपर में इस प्रकार आ गया हूँ कि मेरी पोजीशन बिल्कुल फुट ओवर ब्रिज के सामने हो, ताकि ज़्यादा समय गवाए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुँच सकूँ। लो जी, ये फुट ओवर ब्रिज बिल्कुल पास है अपने, 9:57 पर पहुँच गए। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ये प्लेटफॉर्म नंबर खड़ा है 1 पे ट्रेन अपनी, वो सामने 3 भी सुनो। 1 पे पतालकोट, 3 पे जो है वो रोहतक से हासिल। चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं। देखिए 9:59 पर ट्रेन डिपार्चर हो गई पतालकोट, और अपनी ट्रेन जो है 1 मिनट बाद रवाना होगी, लेकिन अपनी ट्रेन को जो है वो लोकोमोटिव में मिल गया आज। और ये देखिए 044-89 सामने से आ रहा है तुगलकाबाद डीजे शायद टोस्टर। 10:02 अभी लगेगा, तो इन लोगों 5 मिनट के बाद 10:15 से पहले ट्रेन। ये 10:12 सिग्नल हो चुका है लोको पायलट में, और एक और गुड्स ट्रेन आ रही है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि रोहतक में काफ़ी गुड्स ट्रेन आती है, कि जब लूप लाइन पे ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगे तो मेरी पोजीशन इस टाइप से होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल पास में पहुंचूं फुट ओवर ब्रिज के, ताकि जल्दी से निकल सकूं। तो चलिए, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन रवाना हो रही है, और आज का जो सेक्शन रहेगा वो रहने वाला लगभग 73 किलोमीटर का, रोहतक से हांसी हिसार जींद जाखल गुआना पानी पर बादरू में भी यहाँ से ट्रेन चेंज ओवर कर सकती हैं। और अपने साथ चलने वाली ट्रेन जो है, जो रेलवे ट्रैक है ये बिल्कुल जो है वो राइट साइड में निकल जाएगा, और अपने चलेंगे लेफ्ट साइड में। कुछ दूरी तक भिवानी वाले साइड में जाना पड़ेगा, उसके बाद अपनी जो है वो 2 बारी से लगेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ हो चुका है, इस सेक्शन में अपने देखेंगे कि आगे इलेक्ट्रिफिकेशन भी, क्योंकि अंडर प्रोसेस है अभी। ट्रेनें यहाँ पे 2 ही जोड़ी चलती हैं, 1 ट्रेन 044-87 जो रात को चलती है 8:30 पे, 10:30 पे, और 12:25 पे। दिन में चलने वाली एक यही ट्रेन है मात्र, जिससे आप इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। 8 होल्ट रहेंगे, और जिसमें 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 10 बजे ट्रेन रवाना होकर 12:15 पहुँचती है। आज ट्रेन रवाना हुई है लेट, और पहला पड़ाव अपना आ गया डोब वाली, और अपने आ गया 7 किलोमीटर, और यहीं से जो है वो अपनी लाइन जो है वो राइट साइड में नीचे की तरफ उतर जाएगी। पहले सिंगल होल्ट रेलवे स्टेशन था, बाद में इसको क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन बनाया गया, और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट है डोब वाली में, और दूसरी तरफ का व्यू अगर देखें तो इस प्रकार से कुछ आपको दिखेगा। 4 लाइनें, बीच में 2 डबल लाइन, क्योंकि अब जो है वो भिवानी से कलानौर के रास्ते डोब वाली तक डबलिंग लाइन जो है वो अंडर प्रोसेस है, इसलिए 4 लाइनें यहाँ पे जरूरी है। बिल्कुल नया स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है, और लगभग जो है वो 10:25 पे किसान का टाइम भी होने वाला है।
डीजल लोकोमोटिव लगाया तो देखिए, और ये जो ट्रैक ट्रैक अपने साथ चल रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड में, ये मुड़ जाएगा आगे जाके, ये कलानों के रास्ते दीवानी जाएगा। हालांकि ये सेक्शन जो है 13 किलोमीटर छोटा है अगर आप हांसी तक जाती हैं, लेकिन बात ये कि यहाँ पे स्पीड लिमिट अभी कैसी रहेगी वो देखनी होगी। और वो जो है वो 100-110 का सेक्शन है। अगर भिवानी सिटी बाईपास होती किसी ट्रेन को लाया जाए हिसार से रोहतक के बीच में, तो लगभग इतना टाइम लेगी जितना कि ये मैम वाला रास्ता रहेगी। लेकिन भिवानी सिटी का स्टेशन अभी रीडेवलपमेंट में है, तो अभी ऐसी कोई ट्रेन नहीं। किसान एक्सप्रेस की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही, ट्रेन लेट है इसलिए यहाँ से सब कैप्चर। वो दूर से मुझे कुछ दिख रहा है, देखिए हाइट देखिए। आप जैसे जानते हैं कि नया जितना भी सेक्शन खुलते हैं उनकी हाइट जो है वो 20 से 25 फीट ऊपर होती है रेलवे ट्रैक की जमीन से, ताकि कोई भी रेलवे क्रॉसिंग ना देखे। उसके बाद जो है वो रामफल शहीद रामफल बलहारा हाट, ये आ गया सेकंड। अपने 5 किलोमीटर और आ गया डोपाली से, सिंगल रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म है। हालांकि प्लेटफॉर्म की लेंथ और हाइट जो है वो पूरी अच्छी प्रॉपर बनाई गई है। तो ये सेक्शन बिल्कुल आपको राजस्थान के जैसे ही लगेगा। अगर आप चूरू साधनपुर वाला सेक्शन देखें या गंगानगर हनुमानगढ़ वाला सेक्शन देखें तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे जमीन या जो है रेत देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए गोर अंडरपास, तो आपको इस सेक्शन पे अंडरपास से अंडरपास मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि सेक्शन पे आपको कोई भी जो है और वो लेवल क्रॉसिंग देखने को मिलेगी। हाइट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी सारे चैनल भी मिलेंगे क्रॉस करते हुए। जितनी भी यमुना की तरफ से वेस्ट की तरफ जितनी भी जो है वो नहरें निकलती हैं हरियाणा को कवर करने के लिए बॉर्डर तक, वो इसी ट्रैक से नीचे निकलेंगी। तो आगे आपने जो है वो 4 किलोमीटर और आगे 5 किलोमीटर और आ गए हैं, और अब आ गए हैं अपने मोखरा मदीना रेलवे स्टेशन, क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है जी। ये तो काफ़ी बढ़िया बिल्डिंग नई बनाई गई है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म भी 2 मिलेंगे आपको। ये एक रेलवे स्टेशन मोखरा और मदीना दो अलग अलग छोटे टाउन या कह सकते हैं छोटे गाँव जो है बड़े उनको कवर करता है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग मोखरा और मदीना रखा गया है। तो मोखरा मदीना से चलने के बाद आप अपनी ट्रेन जो है वो खरकड़ा रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। ये भी सिंगल लाइन हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस ट्रेन का यहाँ पे जो है वो 1 मिनट का ठहराव दिया गया है। महम से लेके जो है रोहतक के बीच में ज़्यादा स्टेशन है। जो सामने आपको दिख रहा है ये एक एक्सप्रेस वे ग्रीनफील्ड, ये ट्रांसफर है जाना एक्सप्रेस वे जो कि अम्बाला से जो है वो नारनो तक चलता है। तो ये अपने साथ साथ परली तरफ जो है वो पैरलर जो है वो चल रहा है कि NH जो कि दिल्ली फाजल का उसको क्रॉस करती हुई आया है, और ये अपने रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकलेगा भिवानी की तरफ से ऊपर से होता हुआ। और अगले रेलवे स्टेशन पर आ गया बैलबा के लिए अपने को खरखर हाट से 8 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की है अभी, और नेक्स्ट रेलवे स्टेशन शायद आपको जो है वो मिलेगा महम। क्योंकि इस पूरे सेक्शन में एक ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन या आप कह सकते हैं कि थोड़ा बड़ा टाउन आता है वो महम आता है, जो कि 38 किलोमीटर की दूरी रोहतक से, और इसी प्रकार 35 किलोमीटर की दूरी इसकी जो है वो हांसी से रहने वाली है। अगर कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन इस रूट पर चलती है, सामने आपको महम टाउन बहुत दूर से दिख रहा है, क्योंकि अब जो है वो घनी आबादी है इसलिए स्टेशन जितने भी नए रूट पर बनते हैं वो शहर से काफ़ी बाहर यानी 2 से 2.5 किलोमीटर बाहर ही बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें लैंड एक्विजिशन में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है और ट्रैफिक भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है सिटी के अंदर जो रोड पे चलता है। तो मैम ही स्टॉपेज होने वाला है, हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है, और आने वाले दिनों में जो ट्रेन मिलेगी उसका एक ही हॉल्ट मैम रहेगा, या हो भी सकता है कि हांसी से रोहतक के बीच में कोई हॉल्ट ना दिया जाए। महम में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार का स्टेशन बना हुआ है। हालांकि महम जो है वो क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन होगा ये तो अपने को पता ही है, सामने आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पोल लग के और वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है महम के अंदर। पीछे जो है वो स्पीड ट्रायल भी कर लिया गया था, लेकिन अभी तक जो है मुझे लगता है गुड्स ट्रेनें हो सकता है कि इस रूट पर इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से चलती हूँ, क्योंकि हर सेक्शन पर ऐसी होता है। और अभी स्पीड लिमिट भी इसमें जो है वो 70-80 के आसपास ही रखी गई है। कुछ टाइम निकलने के बाद 6 से 8 महीने साल निकलने के बाद जो है तो वो इसकी स्पीड लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो प्लेटफॉर्म पे अपने आ चुके हैं, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म ही होगा। अगर टाउन की डायरेक्शन की बात करूँ तो मैम रेलवे स्टेशन पे आ गए अपने। देखिए इस तरफ भी एक लूप लाइन दी गई है प्लेटफॉर्म के परली तरफ, तो मैम रेलवे स्टेशन जो है वो इस सेक्शन पे सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आप मान सकते हैं। दूसरी तरफ भी दिए गए यानी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो परली तरफ भी एक लाइन दी गई है जिस पे जो है सामने आपको दिख रही है OH इंस्पेक्शन वैन भी खड़ी है। तो 3 प्लेटफॉर्म तो है ही, और चौथी मेरे को लगता है कि एक लूप लाइन दी गई होगी कि कोई गुड्स की पावर या OH इंस्पेक्शन वैन उसके लिए भी जगह छोड़ी गई है। तो लगभग 4 लाइनें दी गई हैं इसमें महम रेलवे स्टेशन पर, जो कि महम जो टाउन है उससे 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, 38 किलोमीटर की दूरी रोहतक से, हांसी से 35 किलोमीटर की दूरी। यहाँ पे 1 मिनट का हॉल था और यहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो डिपार्चर कर दी।
क्वार्टर्स देखिए आप रेलवे, रेलवे के अमूमन ये शिकायत रहती है एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर बहुत गंदे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल अलग सा कलर है, जो ऑर्डिनरी कलर जो है जो पेंट मिलता है इससे बिल्कुल अलग है। अच्छे क्वार्टर्स बनाए गए रेलवे की तरफ। मुंडाल कला, मुंडाल कला में आ गए जी, महम से अपने 6 किलोमीटर आगे हैं मुंडाल कला, और ये भी क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन। और स्टेशन की बिल्डिंग को आप देखें तो काफ़ी पीछे बनाई गई है, ताकि आगे अगर आपको जो है कभी सेक्शन पे डबलिंग हो और रेलवे लाइन देनी पड़े तो जो है वो बिल्डिंग को पीछे ना हटाना पड़े। और इससे भी अपनी ट्रेन जो है सोरखी को क्रॉस कर, सोरखी में यहाँ पर हॉल्ट नहीं है, ये एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन सोरखी जहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, बाकी 9 स्टेशन दोनों सेक्शन पे पड़ते हैं, 8 के हॉल्ट हैं एक रेलवे स्टेशन जो है, जो कि अपने सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन कह सकते हैं अगर हांसी से बात करें, क्योंकि इसके बाद जो है वो आगे क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन आने वाला गड़ी, जिसमें अपनी ट्रेन जो है वो एंटर कर रही है। तो गड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो सुंदर मुंडल कला से बात करूँ तो 14 किलोमीटर की दूरी पर आगे पड़ता है, और ये भी एक जो है वो क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की संख्या यहाँ पर भी आपको 2 देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी बिल्डिंग नई और काफ़ी पीछे बनाई गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन गढ़ी रेलवे स्टेशन पे भी जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है। गड़ी से निकलने के बाद अपना जो है वो सीधे हांसी रुकने वाले से हांसी पहुंचेंगे अपने गड़ी के बाद, और सामने से आपको रेलवे ट्रैक दिख रहा है शायद, हाँ जी ये रेवाड़ी और भिवानी के रास्ते से रेलवे ट्रैक की साइड की तरफ आता होगा, तो अपने दोनों चलेंगे यहाँ पे पैरेलल रेलवे ट्रैक, और हम पहुंचेंगे अपने लास्ट स्टेशन पे जो कि अपनी हांसी जंक्शन जाना है। हांसी रेलवे स्टेशन को भी देखते हैं, पहले वाला तो देखा हुआ जिसमें एक ही प्लेटफॉर्म था, आज देखते हैं कितना चेंजेस आ गए हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद अपनी ट्रेन स्लो हो गई है भाई, 61 स्लो हो चुकी है ये 61 जो है वो डोप वाली से 69 डोप वाली से रेड है अभी अपने, लेकिन अपने साथ में जो पैरेलल ट्रैक है उसको येलो है। रूट इंडिकेटर भी जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए दिया गया है, और ये ट्रेन सामने से, अच्छा पीछे से जो ट्रेन आ रही है जिसके लिए अपनी ट्रेन को रोका गया है, हालांकि अपनी इस ट्रेन को क्रॉस नहीं करना था, रेवाड़ी बठिंडा पैसेंजर WDP भगत की कोठी के साथ, रेवाड़ी बठिंडा पैसेंजर पूरी तरह से अनरिजर्व ट्रेन, ये जाएगी बठिंडा तक और वहाँ से वापसी करती शाम को 5:10। तो इस ट्रेन के लिए अपनी ट्रेन को रोक दिया गया है। उस ट्रेन के जाने के 10 मिनट बाद अपनी ट्रेन को जो है वो सिग्नल ऑन दिया गया, हालांकि अपनी ट्रेन वैसे भी बिफोर थी, अभी फिलहाल जो है वो 12:05 हुए हैं, 12:15 पर टाइम था, 10:52 पर 11:52 पर ट्रेन आउटर पे खड़ी हो गई थी। तो हांसी रेलवे स्टेशन तक 72 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, अगर वाया भिवानी आते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 84 किलोमीटर या 86 किलोमीटर की जर्नी। जहाँ तक मेरा आइडिया उस ट्रेन को यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि जो लेवल क्रॉसिंग है वो 5-7 मिनट पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन इसी में बहुत बाद में किया जी। नहीं, अपनी ट्रेन सीधा जा रही है बिल्कुल, अगर इसको 1A पे लेते तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रेन को आउटर में क्यों रोका है, इसको 1A पे तो डायरेक्ट ही लिया जा सकता था। हांसी जंक्शन ये प्लेटफॉर्म पर बंद नहीं है, पर लेकिन आपको आउटर में ना रुकना पड़े। तो आज की ट्रेन जर्नी यहीं समाप्त होती है। आज जींद से रवाना हुए थे, टाइमिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन फिर भी रेलवे ने साथ दिया और 1 मिनट पहले हम पहुंच गए रोहतक जंक्शन। 9:59 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे था, हालांकि इस ट्रेन को लोकोमोटिव बाद में लगा, और आज ये ट्रेन 12:15 पे हांसी की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जा रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो चाहे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रेलवे से संबंधित ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे रेलवे किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।